आज से ठीक 3 साल पहले जून का ही मंथ था और मेरे सेमेस्टर एग्जामिनेशन चल रहे थे जोरों से, और मैं हर इंजीनियर की तरह वही लास्ट के 10-15 दिन पढ़ लिया और सेमेस्टर पास कर लिया। लेकिन जब इंसान एग्जाम के बाद घर आता है, सोचता है कि हाँ अब अपने करियर में हमें क्या करना चाहिए। मेरा थर्ड ईयर कंप्लीट हो गया था ऑलमोस्ट, और उसके बाद मैं घर आया। जब हम दोस्तों के साथ रहते हैं तब हम इतना नहीं सोचते अपने करियर के बारे में, लेकिन जब हम अकेले में होते हैं तब लगता है कि यार हम अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहे हैं। और वही मेरे साथ उस टाइम पे हुआ। मैंने सोचा यार अब मैं करूँ तो करूँ क्या लाइफ में, क्योंकि मैंने 3 साल अपने पूरे बर्बाद कर चुका था। मौज मस्ती बस यही मैंने पूरे 3 साल किया, कोई कोडिंग नहीं, गेट कुछ नहीं, बस आया और मजे किए। जब मैं घर आया मैंने सोचा अब मैं करूँ क्या, तो मैंने अपने दोस्तों को देखा वो क्या कर रहे हैं। तो कुछ दोस्त कोडिंग कर रहे थे, प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे थे। कैंपस में प्लेसमेंट था नहीं, सिर्फ एक ही कंपनी आती थी विप्रो, बाकी सब ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए तैयारियां कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार ये वाला बात अपना के देखते हैं, और थोड़ा बहुत मेरे दिमाग में गेट भी था कि चलो गेट भी करते हैं। लेकिन जब 1 महीने बाद मैं एक कोडिंग इंटरव्यू से मैंने खुद को खुद रिजेक्ट कर दिया डर के, उसके बाद मैंने सोच लिया अब मैं खुद को हमेशा डेडिकेट रखूंगा गेट के लिए, और वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है। टाइम पे अगस्त में मेरे पास एक सवाल था कि क्या 6 महीने में क्या मैं गेट निकाल सकता हूँ। अभी भी जो वीडियो का टाइटल है यही है कि क्या हम गेट प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर सकते हैं जून में या जुलाई में या अगस्त में। मैं आपको बताना चाहूंगा हम बिल्कुल कर सकते हैं। आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कहीं हम बहुत ज्यादा लेट तो नहीं हो गए। ये एक बहुत ही गलत मिथक है कि गेट के लिए हमें 1-1.5-2 साल देना पड़ता है। गेट एक बहुत ही कंक्रीट एग्जाम है जिसमें अगर आप एक सही स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ते हैं तो आपकी एक बहुत बढ़िया रैंक आ जाएगी। ये जेई की तरह नहीं है कि अगर आपका इस साल नहीं निकला तो आप उसके बाद इस एग्जाम को कभी नहीं दे पाओगे, जो भी आपने पढ़ा वो सब खराब। ये ऐसा नहीं है, आपको बहुत मौके मिलते हैं। लेकिन जो मैं मानता हूँ 6-8 महीने मैक्सिमम आपके गेट की प्रिपरेशन के लिए चाहिए होते हैं। आप इन डेप्थ पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। मैं स्पेशली गेट सीएससी के लिए कह रहा हूँ कि आपके लिए इतना बहुत है अगर आप खुद को डेडिकेट करके इतना पढ़ लेते हैं। तो उस टाइम पे मैं कोरा पे बहुत सारे आंसर पढ़ता था। आज से 3 साल पहले कोरा बहुत ज्यादा फेमस हुआ करता था इंजीनियर के बीच, आजकल लिंक्डइन ने उसको रिप्लेस कर दिया। ऐसी सक्सेस स्टोरीज पढ़ता था कि बंदों ने कैसे 6 महीने में गेट क्लियर करके अंडर 100 रैंक ले आए, और वहीं से मिली एक मोटिवेशन मिला कि हाँ अगर ये लोग कर सकते हैं टियर 3 में रह के तो मैं भी कर सकता हूँ। देखो हमारे पास ना 2 चीजें होती हैं, एक तो मैं जो बोल रहा हूँ कि 6 महीने में बिल्कुल पॉसिबल है बढ़िया रैंक लाना। एक तो आप सोच सकते हैं कि नहीं ये बंदा झूठ बोल रहा, बेकू बना रहा है, खत्म, ये तो हो ही नहीं सकता। ये एक नेगेटिव माइंडसेट, पहले ही उस थॉट को रिजेक्ट कर दे कि हो ही नहीं सकता। दूसरा पॉजिटिव थॉट ये कि हाँ हो सकता है, अगर ये करता तो मैं भी कर सकता हूँ, भले हो ना हो वो फ्यूचर पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप थोड़ा पॉजिटिव होकर चलोगे तो बिल्कुल हो सकता है। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि गेट के लिए 6-8 महीने हमारे लिए बहुत है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, कि अब से आप क्या प्लान बनाएंगे, क्या शेड्यूल आपका होना चाहिए इस गेट प्रिपरेशन के लिए, ताकि आप एक बढ़िया सी रैंक ले आओ। बढ़िया रैंक मतलब अगर आप अंडर 1000 भी आते हैं तब भी आपको एक बढ़िया सा NIT वगैरह आराम से मिल जाएगा। तो अभी एक ऐसा माहौल होगा आपके सामने कि आपके दोस्त कुछ प्लेसमेंट की ओर भाग रहे हैं, तो आप थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहे यार ये दोस्त प्लेसमेंट उठाने वाला है मैं रहना जाऊं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि टियर 3 में मैक्सिमम जो बच्चों का प्लेसमेंट होता है वो होता है TCS, विप्रो, इंफोसिस, इन्हीं जगह होता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप वहां जाके आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे 20-25 हजार की सैलरी में। मैं किसी को भी हेट नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। मैं ही नहीं कह रहा कि वहां जॉब करना बेकार है सही है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इतने कम पैसों में सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, मतलब आप अपनी लाइफ जी नहीं पाओगे। मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये नहीं कि जो लोग वहां कर रहे हैं मेरे लिए उनके पास हेट है, ये सो है वो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मैं आपको सिंपल एक बात बता रहा हूँ कि अगर आपको वही कंपनी आज से 15 साल भी 20-25 हजार ही दे रही थी और आज भी वो 20-25 हजार ही दे रही है, आप देखोगे कि इन्फ्लेशन महंगाई कितनी बढ़ गई है तब से, लेकिन वो सैलरी बिल्कुल नहीं बढ़ी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आप उस जॉब को छोड़ दें तो मैं चाहता हूँ कि आप गेट की ओर आए। हाँ अगर आपने कोडिंग वगैरह करी है अच्छे से तो मैं तो चाहूंगा कि आप ऑन कैंपस ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में बैठे और एक बढ़िया सी नौकरी लेके जाए। लेकिन अगर अभी तक आपने अपने 3 साल या 4 साल आपने कॉलेज भी कंप्लीट कर लिया है तो आपने कुछ नहीं किया है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि गेट आपके लिए वन ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ हो सकता है आपकी जर्नी के दौरान। अब पहला क्वेश्चन ये आता है कि भैया मैं कोचिंग लूं या ना लूं। देखो इस वीडियो में कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, तो आपको जो मर्जी जो कोचिंग पसंद है वो आप ले सकते हैं। आपको एस अकेडमी लेना है, अनअकेडमी लेना है, नेडीजी लेना है, गो क्लासेस लेना है, सब एक जैसे ही है लगभग। हाँ थोड़े महंगे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि 1-2 बंदे मिलकर साथ में कोर्स को ले लें 15-20 हजार रुपए मिला के, आधा टाइम वो पढ़ लें आधा टाइम वो पढ़ लें, ऐसे नहीं कि आपको दिन भर ही लेक्चर देखने हैं। और दूसरा है कि क्या हमें ऑफलाइन कोचिंग में जाना है ऑनलाइन कोचिंग में जाना है, तो यार मैं थोड़ा ऑनलाइन कोचिंग के फेवर में जाता हूँ। एक तो उसमें हमारा टाइम बर्बाद नहीं होता कि हम जाएं अपने रिसोर्सेज का यूज करके फिर वहां जाके कमरा लें फिर कोचिंग अटेंड करें फिर घर आएं। तो मैं चाहता हूँ कि आप ऑनलाइन कोचिंग की ऑर्डर दें, हम कॉलेज में रहते हुए भी आराम से ऑनलाइन कोचिंग अटेंड कर सकते हैं। उसे भी मैं फेवर करता हूँ रिकॉर्डेड लेक्चर का, मैं लाइव क्लासेस का इसलिए भी फेवर नहीं करता कि ये होता है कि जब वो लाइव क्लासेस पढ़ाते हैं तो उनका एक मोटिव रहता है सिलेबस खत्म करना जल्दी से जल्दी, और आप देखोगे कि बहुत टाइम वो सिलेबस जाके जनवरी तक खत्म होता है एंड
में, वो भी घुमा फिरा के। तो मैं चाहता कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर लें गेट सीएस या किसी भी ब्रांच के, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अब आपको क्या करना है, जब आपके पास लेक्चर्स आ गए, अब आपको एक चीज और करनी है, एक टेस्ट सीरीज आपको खरीदनी है। अब आप वो कौन सी खरीदोगे? मैंने पर्सनली मेडिजी की 2 साल की टेस्ट सीरीज खरीदी थी, तो ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। आप मेरे प्रीवियस पोस्ट भी पढ़ सकते हो, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। मैंने 2 साल की मेडिजी की टेस्ट सीरीज ली थी, मेरे पास आरबीआर सर रविंद्र बाबू रघुला सर के सीएससी गेट सीएससी के लेक्चर थे, मैंने उससे पढ़ा। अब वो नहीं पढ़ा रहे हैं कहीं भी, तो ये भी मैं क्लियर कर दूं। और उसके अलावा मैंने एक गेट की प्रीवियस ईयर की बुक ली थी, और बस इन्हीं के साथ मैंने अपनी पूरी जर्नी स्टार्ट कर दी। अब आपको क्या करना है, आपको किस पैटर्न में फॉलो करना है, जो भी आपको सबसे इजी सब्जेक्ट लगता है वहां से आप स्टार्ट करें, जो भी आपका पसंदीदा सब्जेक्ट है, जिसमें भी आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हो। आप बोलेंगे भैया मुझे इंजीनियरिंग में ही इंटरेस्ट नहीं था, तो मुझे सब्जेक्ट कैसे पसंद आया, या फिर भी लगता है कि हाँ ये थोड़ा सा हल्का सब्जेक्ट है, इससे स्टार्ट कर लेता हूँ। तो मैंने डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम से शुरू किया था, क्योंकि वो थोड़ा इजी सा सब्जेक्ट था और उसके कॉन्सेप्ट में जल्दी जल्दी पिक कर देता। हाँ ये भी होगा जब आप अपना पहला सब्जेक्ट कर रहे हो उसमें आपको टाइम ज्यादा लग जाए, लेकिन जब आप आगे पूरे सब्जेक्ट को पढ़ते जाओगे तो आपको जो टाइम है ना, मान लो आपने पहला सब्जेक्ट 1 महीने में कवर करा, तो वैसे जब आप साइंस सब्जेक्ट करोगे ना तो आपको एक स्टडी से पता चलेगी हाँ मुझे किस पैटर्न में पढ़ना है, तो आपको अगले वाले सब्जेक्ट पढ़ने में थोड़ा कम टाइम लगेगा, इसलिए आप जल्दी जल्दी पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर पाओगे। हाँ एक चीज और, ये इस पे ज्यादा ध्यान मत देना कि मुझे सिलेबस खत्म करना है, ये सबसे बड़ी गलती होती है। आप आराम से पढ़े जब तक कोई टॉपिक अच्छे से समझ नहीं आए दिमाग में, ठीक, जब तक हाँ ये कॉन्सेप्ट अब मेरे समझ में आ चुका है, तब तक आगे नहीं बढ़ना। भले उसके बाद आप मान लो उस लेक्चर से मुझे समझ नहीं आ रहा, ये नहीं होता कि यार एक ही लेक्चर बंदे ने सब कुछ पढ़ा दिया, ऐसा भी नहीं होता है कि हाँ 90% उन्होंने पढ़ाया, 10% आपको इधर उधर से भी देखना पड़ सकता है, जरूरी देखना ही पड़ेगा। तो जब तक आपको वो टॉपिक बिल्कुल क्लियर नहीं हो जाता तब तक आप आगे मत बढ़ना, वरना आपको क्या होगा कि आप फिर क्वेश्चन नहीं बनेंगे, आप फिर घूम फिर के फिर से उस टॉपिक को आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ पढ़ो आराम से, जब तक समझ ना आए देखो उसे। तो एक बार आपने पूरा एक लेक्चर देख लिया, उसके बाद आपने उसके नोट्स खुद से बनाने, किसी भी टॉपर के नोट्स कॉपी नहीं करने, बिल्कुल भी कॉपी नहीं करना, ये कॉपी कैटलॉग सिस्टम बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि उस टॉपर ने अपने हिसाब से नोट्स लिखे हैं, खुद अपने नोट्स खुद बनाओ, वो ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। पिछले 2-3 साल से गेट का सिलेबस भी चेंज हो चुका है, अब MS2 आ चुके हैं, मल्टीपल सिलेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें आपको पास मल्टीपल चॉइस होते हैं, एक से ज्यादा आंसर हो सकता है आपका। अब हमें क्या करना है कि हम देखेंगे थोड़ा पैटर्न ना थ्योरी और थोड़ा ज्यादा जा रहा है, तो थ्योरेटिकल पार्ट को भी हमको थोड़ा अच्छे से ध्यान देना है। अब थोड़ा थ्योरी बेस्ड भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो ऐसे नहीं कि आपने बिल्कुल वो पढ़ लिया उसके बाद आपने कुछ नहीं किया, थ्योरी को डेप्थ में पढ़ें, मतलब जब तक आपको बिल्कुल समझ आ जाए तब तक टॉपिक को मुझे पढ़ना है। अब जैसे ही आपने लेक्चर देखे, नोट्स बनाए, उसके बाद आपको करना है उस चैप्टर के जो मतलब जिस टॉपिक आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना। अब प्रीवियस ईयर में मैं बहुत ज्यादा वो देता हूँ कि हाँ प्रीवियस ईयर को हमको 2 से 3 बार कम से कम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि वो क्वेश्चन IIT प्रोफेसर ने खुद अपने हाथों से बनाए हैं, वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसलिए मैं उन पे कहता हूँ कि उन पे ज्यादा आप फोकस मारें। जैसे ही आपने वो कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपको करना है टेस्ट सीरीज, उस टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट सीरीज दीजिए, 25 मार्क्स का होगा, आराम से दो, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स खराब आ रहे कोई दिक्कत नहीं, मार्क्स इनिशियली सब पे ही खराब आते हैं, ऐसा मत सोचो आपने पहला टेस्ट दिया आपको 20 नंबर आ गए, ऐसा नहीं होगा, 7, 8, 10 जो भी आ रहा है आपका टेस्ट में कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन उसके बाद उस टेस्ट का एनालाइज करना है कि हाँ मैंने क्या क्या गलतियां करी है, इनको मैं कैसे सुधार सकता हूँ। बस एक चीज याद रखना कि जो मिस्टेक मैंने आज इस टेस्ट में कर ली, कि सेम क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन का मिस्टेक मुझसे फ्यूचर में नहीं होना चाहिए, बस आपको इतना कन्फर्म करना है। देखो दुनिया में ना टैलेंटेड लोगों की कमी हो ना हो, लेकिन हार्डवर्क करने वाले लोगों की बहुत ज्यादा कमी है, लोग हार्डवर्क नहीं करना चाहते। तो गेट ऑल अबाउट है कि हार्डवर्क, आप कितना कंसिस्टेंट रह पाओगे, आप कितनी देर तक आप कंसिस्टेंट रह पाओगे, वही एट द एंड मैटर करेगा। अगर आपने आज शुरू किया ना तो आपसे सवाल पूछ लेंगे कि आप 6 महीने तक क्या यही रूटीन आप डेली फॉलो कर पाओगे? आपको मिनिमम 4 आवर्स रोज पढ़ना है, कुछ भी हो जाए आपको 4 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, आप ये शेड्यूल बना लो अपना। मैक्सिमम कितना चाहते हैं 6-7 और मैक्सिमम 8 घंटे, 8 तो मैंने भी बहुत मुश्किल लास्ट एंड के टाइम पे गया, लेकिन आप 4 से 6 घंटे अगर आप डेली अपनी जर्नी को दे देते हैं तो आपके लिए बहुत सही होगा। ये है कि भैया अगर हम हमारे सेमेस्टर एग्जाम के साथ ये सब कैसे मैनेज करें, देखो यार अगर आप ये एक्सक्यूजेस बना रहे हो, अगर आपके पास 4 घंटे अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो आप दिन के अपनी तैयारी के लिए, तो ये एक्सक्यूज आप खुद के लिए खुद से बना रहे हो। देखो एग्जाम होते हैं हमारे 10 से 15 दिन, बस वही होता है, उस टाइम आप रिविजन कर सकते हैं, बाकी टाइम हमें भी पता है हम क्या करते हैं, TRG कॉलेज में रहकर मस्ती करते हैं और कुछ नहीं करते, टाइम पास करते हैं। तो वही 4 घंटे आप खुद के लिए निकाल सकते हैं यार, इतना 24 घंटे में 4 घंटे कौन नहीं निकाल सकता, आपको निकालना पड़ेगा। अगर हमको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट चाहिए ना तो एफर्ट भी थोड़ा एक्स्ट्रा मानना पड़ेगा, देखो थाली भर उसके कोई देगा नहीं, थोड़ा एक्स्ट्रा फोर्स हमें खुद को देना पड़ेगा। और एक बात और, ये मत सोचो कि मैं जब अपने सब्जेक्ट अगर अपने उसमें पढ़ रहा हूँ जिस भी स्ट्रीम में आप दे रहे हैं कि मेरे कंपटीशन 1 लाख बच्चों से है, नहीं 1 लाख बच्चों से नहीं है, सिर्फ 5,000 बच्चों से, उन्हें सिर्फ 5,000 बच्चे जो होंगे वो सीरियस एस्पिरेंट होंगे, बाकी सब टाइम पास के लिए। मैं गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूँ, वहाँ कंपल्सरी हो जाती है, अगर तुम गेट नहीं दो तो
पास डिग्री नहीं देंगे, इसलिए बच्चे वो फॉर्म को भर देते हैं, एग्जाम देने आ जाते हैं। इसलिए घबराना ही है कि 1,00,000 बच्चों के साथ कंपटीशन है, 5,000 सीरियस बच्चों के साथ आपका कंपटीशन है, उसमें आपको 100,000 रैंक लानी है, मतलब 1/5, बट 20% प्रोबेबिलिटी की आपकी अच्छी रैंक आ जाएगी। वो भी अगर आप जितना सीरियस जितना ज्यादा एफर्ट मारोगे उतना आपके लिए सही रहेगा, उतने ज्यादा चांसेस है कि आप अच्छी रैंक ले पाओगे। अब है कि गेट वर्सेस प्लेसमेंट में क्या करें, गेट की ओर जाओ या प्लेसमेंट की ओर जाओ। अगर आपने अभी तक कोडिंग की तैयारी करी है अच्छी, तो आप मैं बोलूंगा आप प्लेसमेंट के लिए जाएं, लेकिन अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया है, मैं खुद अपने फाइनल में नहीं बैठा था उसके बाद, तो आप सीधा गेट की ओर आ जाए कि हाँ आपकी रैंक बिल्कुल बढ़िया आएगी अगर आप मेहनत मारते हो। और अननेसेसरी लोगों के ओपिनियन नहीं लेने कि ये एग्जाम किस टाइप का है, कैसा है, क्यों है, लोगों से दूर रहे, उनकी मत सुने, क्योंकि ये आपके फ्यूचर का सवाल है। जो भी आपको करना है खुद के लिए करना है, लोगों से ओपिनियन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ कि जो मैंने अपने YouTube कम्युनिटी से पूछा था कि हाँ आपको क्या क्या डाउट्स है गेट से रिलेटेड, तो उनको मैं थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो यही उन्होंने पूछा कि डिफरेंस बिटवीन जेई एंड गेट प्रिपरेशन, मतलब क्या डिफरेंस है। देखो यार, जब हम जेई देते हैं उस समय इमैच्योर रहते हैं कि हाँ हमने 10th 11th 12th में कैसे पढ़ाई करी है, गेट में वो वाला सीन नहीं है। अगर आपने इस साल नहीं करा तो अगले साल आप निकाल सकते हो, आपके पास ऑप्शन है, अब हम थोड़ा मैच्योरिटी आती है टाइम के साथ। ओके, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। गेट के जो सब्जेक्ट है वो आपके रियल वर्ल्ड में ज्यादा इंप्लीमेंट होंगे एज कम्पेयर टू जेई के, तो ये भी आपके लिए अच्छा होगा। अगला क्वेश्चन है कि बेस्ट टाइम टू स्टार्ट गेट प्रिपरेशन। बेस्ट टाइम कोई नहीं है, 6 से 8 महीने देने, जब मर्जी आप तब वो टाइम दे दें, आपके लिए सही है, बाकी कोई भी बेस्ट टाइम नहीं है। हाँ बेस्ट ये कि अगर आप थर्ड ईयर में निकालते तो आपको फाइनल ईयर आप बिल्कुल मस्ती करके निकाल के बाद में आईआईटी में एडमिशन लेके बिल्कुल मजे से आराम से एक प्लेसमेंट निकाल लो। अब बहुत अच्छे पूछ रहे कि भैया गेट के रिसोर्सेज, बुक मॉड्यूल्स, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, उस पर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, रोड मैप फॉर गेट सीएससी, ठीक है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसमें मैंने आपको बताया कि कौन कौन से फ्री रिसोर्सेज आप यूज कर सकते हैं। फ्री रिसोर्सेज हैं लेकिन वो उतने अच्छी क्वालिटी की नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं, है पर उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हाँ गेट के लिए हमें थोड़ी बहुत कोचिंग की जरूरत पड़ती है। कोचिंग की जरूरत इसलिए भी मुझे लगती है कि यार हमारी बुक्स इतनी मोटी मोटी है, और इतनी मोटी है 10-11 से बढ़ के इतनी मोटी मोटी बुक पढ़ूंगा तो मुझे पता नहीं कि मुझे एक्जैक्टली पढ़ना क्या है। गेट में आप हमको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है कि हमें एक्जैक्टली ये टॉपिक्स पढ़ना है, इसलिए मैं इस वीडियो में किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। हाँ इसलिए मुझे लगता है कि आपको कोई एक कोचिंग ले लेनी चाहिए, 2-3 बंदे मिल के ले लो, कोई दिक्कत नहीं, पर करो आप। एक और क्वेश्चन है कि हाउ टू डू एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन दैट वी डिड रॉन्ग, हाउ टू लर्न फ्रॉम देम एंड इम्प्रूव स्कोर। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि जब हम कोई क्वेश्चन गलत कर लेते हैं तो उसका एनालिसिस कैसे करें। तो पहले आप ये करोगे, आपने सबसे पहले क्या सोचा था उस सॉल्व क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। एक तो ये कि आपने बिल्कुल ही आपका दिमाग ब्लैंक हो गया कि आपको पता नहीं कि आपने सोचना ही क्या इस क्वेश्चन में, आपने देखा था आपका दिमाग ब्लैंक हो गया। दूसरा कि उस केस में हमें बिल्कुल एक सॉल्यूशन देखना है, जो जो उसमें लिखा उसको आप याद कर लें, याद करने का बहुत ज्यादा है गेट में, तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आप याद भी कर लेते ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो गेट में रिवीजन बहुत ज्यादा मस्ट है, आपको वीकली रिवीजन करना पड़ेगा। ये मत सोचो कि एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लिया तो वो चीज तो मैं हमेशा के लिए याद रहेगी, ऐसा वाला सिस्टम नहीं है। जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे, अपने कॉन्सेप्ट को ब्रशअप नहीं करोगे, तब तक वो चीजें समझ नहीं आएंगी। ये वाला सीन छोड़ दो कि कॉलेज में स्कूल में टीचर कहते थे कि रट्टा मारना, नहीं रट्टा मारना तो आपको पड़ेगा ही, पढ़ना तो पड़ेगा ही आपको वो चीजें, तभी वो चीजें आपको ब्रशअप होंगी, तभी आपको चीजें याद होंगी कि हाँ ये चीजें ऐसे काम कर रही है, बार बार पढ़ के ये ज्यादा फायदा होता है, इसलिए रिवीजन ज्यादा मस्ट है। और दूसरा ये कि आपने उस क्वेश्चन को किया लेकिन आप गलत अप्रोच से कर रहे थे, तो आप सोचो कि आप इधर क्यों गए, आप जो सॉल्यूशन वो इधर क्यों गया, तो सॉल्यूशन को उधर को डाइवर्ट करने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ ये मैं स्टेप कर सकता था। अब वो क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट मार्क भी कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन आपसे बना नहीं, जिसको देखकर आपको लगता है कि हाँ इन फ्यूचर ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिस है, तो ये मुझसे फ्यूचर में ये वाला क्वेश्चन गलत ना हो, इसलिए भी मैं चाहता हूँ कि आप एक प्रॉपर एनालिसिस करें। वीडियो बहुत लंबा हो गया है तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूंगा। और गेट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा रहा कि भैया गेट करें एमएस करें, बहुत कंफ्यूजन है मार्केट में, कोई कह रहा है एमएस करो, कोई कह रहा है गेट करो। इस टॉपिक को भी मैं बहुत जल्द कवर करूंगा कि क्या आपके लिए अच्छा होगा। और आपको अगर कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में पक्का पूछें, मैं आपका आंसर हमेशा देता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।